खबर शिवरी नारायण से। चार राज्यों में लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जांजगीर जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके जोर शोर से नारेबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी और जेसीबी में चढ़कर पूरे नगर में विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर युवा मोर्चा के शिवरी नारायण मंडल अध्यक्ष अंकुर गोयल ने कहा कि चार राज्यों में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल कार्य क्षमता को देखते अपनी मुहर भाजपा पर लगाई है। भाजपा पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है। जनता ने भाजपा पर विश्वास किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण चार राज्यों के लोकसभा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरा देश में जो पांच राज्यों में चुनाव हो वो मां चार राज्य में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते हैं और सरकार बना है। ये खुशी मां हमर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर के चार बुलडोजर के साथ पूरा युवा मोर्चा सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के सब साथी जुड़मिल करके ये विजय जुलूस निकाले। किसे अब पूरा शिवनारायण में भ्रमण करते हुए ये संदेश दिए गए हैं कि आने वाला समय में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो ही तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस साफ हो ही, जनता जान चुके हैं ये छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार बहुत लबरा सरकार है। ये सरकार किसानों के साथ में जो छलावा करत है, जो हमारे गरीब मजदूर किसान है ओकर साथ में अन्याय हुआ थे। अभी जैसे यूरिया है 250 रुपये की यूरिया, अभी 600 रुपये किसान खरीदे मजबूर है और व्यापारी मन करे यूरिया है लेकिन सरकारी गोदाम में यूरिया नहीं है। ये काला बाजारी आज चलत है, रेत के माफिया बन के काम चलत है। तो पूरा पैसा लूट खसोट के ही काम कांग्रेस करत है। 5 साल में जनता लूट सका थे लूटत है। भारतीय जनता पार्टी पूरा जनता ने जगा ही और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की पूरा सफाया करें। भैया आगामी यानी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ और साफ सरकार देगी और पूरा एकदम जनता के हित में सरकार देगी। शराबबंदी पर आने वाले समय में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी हमारे नेतृत्व के निर्देशानुसार शराबबंदी किया जाएगा। क्या करेगी पत्रकार सुरक्षा कानून हमारी सरकार आएगी, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा।